आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है, और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, दो अलग चीज़ें हैं। जब देश आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी समय मैंने ये विषय सबके सामने रखना शुरू किया था, आज से एक दो साल पहले। और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है, 75 साल पर हम खड़े हैं, 100 साल पहुंचने वाले हैं, इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें, हर इंस्टीट्यूशन हर कोई अपना एक लक्ष्य बनाए। भाई मैं अपना गांव का प्रधान हूँ, 2047 तक मेरे गांव में इतना तो मैं करूँगा। आरबीआई को मैं कार्यक्रम में अभी गया, 90 साल का उनका था, तो मैंने कहा कि 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 100 साल होंगे, इस पर अभी से सोचिए। तो मेरे मन में 2047 ये भारत की आज़ादी के 100 साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए, और आज़ादी के 100 साल अपने आप एक बहुत इंस्पिरेशन है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो एक पार्ट तो वो है, दूसरा है 2024। 2024 ये चुनाव का हमारा जो क्रम है 5 साल का, उसके हिसाब से वो आया हुआ क्रम है। और मैं मानता हूँ कि चुनाव ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है।